ब्राइटकॉम ग्रुप और टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र यानी BCG वर्सेस TTML। आज हम दो ऐसे शेयरों की बात करेंगे जिसने पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को 1000% यानी 10 गुनों से भी ज़्यादा पैसा करके दिया है। ये दोनों शेयर की आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या करते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर इन दोनों शेयर में से आपको एक सिलेक्ट करना है तो वो कौन सा शेयर हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ, मेरा नाम है अर्पित पाठक और आप हैं आउटसाइड द लाव स्ट्रीट। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ब्राइटकॉम ग्रुप बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। कंपनी कहती है कि इनके तीन बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जिसमें से पहला है आपका मीडिया जिसमें आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आती है, दूसरा है इनका सॉफ्टवेयर सर्विसेज और तीसरा ये कहते हैं इनकी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। ऑफ कोर्स मेजर रेवेन्यू कंपनी का आपका डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आता है। अगर हम इसका कंपेयर करते हैं TTML के साथ तो बेसिकली टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लस टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। ये क्या करते हैं, ये जो छोटे बिजनेस होते हैं उनको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक छोटे बिजनेस ओनर हो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, आपको इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत है, ये तो काफ़ी बेसिक है। उसके अलावा आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो सकती है ताकि आप रिमोट एरिया से अपने फाइल शेयर कर सको। उसके अलावा चैट सर्विसेज मे बी या कॉल सेंटर, ये सारी इंटीग्रेटेड चीज़ें टाटा टेली सर्विसेज बनाती है। तो आप देख सकते हो दोनों काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। अगर इसमें बिजनेस मॉडल्स की बात की जाए तो मेरे को ज्यादा पसंद है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एंड इट इज अ वास्टली एंड फास्टली ग्रोइंग बिजनेस सर्विसेज। सो डिजिटल मार्केटिंग से मेरा अपना पर्सनल खुद का बायस है, यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम मेन चीज पे बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स है कैसे। अगर ब्राइटकॉम ग्रुप की बात की जाए तो ये पूरी कंपनी लगभग 17,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। पहले थोड़ा ज्यादा करती थी तो बीच में लगातार लोअर सर्किट लगे जिसकी वजह से इनका मार्केट कैप थोड़ा कम हो गया, बट नाउ एटलीस्ट दे आर रिकवरिंग। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 17,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वहीं अगर आप टाटा टेली सर्विसेज की बात करो तो इनसे 2 गुने के आसपास का मार्केट कैप रखती है कंपनी। इनकी जो मार्केट कैप है वो 32,000 करोड़ के आसपास की है। लेकिन मार्केट कैप से क्या ही मतलब है, मेन चीज पे आते हैं कंपनी कैसा ऑपरेट करती है। तो हम सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज करते हैं। हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमेशा सारी चीजें 3 साल के एवरेज पे देखते हैं एज यू ऑलरेडी नो, बिकॉज कोई भी कंपनी 1 साल में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बात तो तब है जब आप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो हम आज बात करेंगे ऑपरेशन के मामले में 3 रेशियो की। पहला हम ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रिटर्न रेशियो कैसे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एज वेल एज रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करते हैं तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स 30% है, जो बहुत ही अच्छे हैं। माइंड, 30% ऑपरेटिंग मार्जिन पे ऑपरेट करना इज वेरी वेरी गुड फॉर अ कंपनी, स्पेशली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हो। क्योंकि मैं इस फील्ड से ताल्लुक रखता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ऑपरेटिंग मार्जिन का बड़ा ही अलग सा गेम होता है। जब आप छोटी एजेंसी चलाते हो तो आपके ऑपरेटिंग मार्जिन काफी कम होते हैं, लेकिन एक बार जब आपकी थ्रेशहोल्ड ब्रेक हो जाती है, आप हायर रेवेन्यू मोर क्लाइंट के साथ ऑपरेट करना लगते हो और स्पेशली जब आपके क्लाइंट बड़े होते हैं तो वो आपके मार्जिन अचानक से जंप कर जाते हैं। ये आपको कंपनी के साथ भी देखने को मिलेगा, इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन पहले थोड़े थोड़े कम हुआ करते थे, अब ये 28-29-30% के आसपास रह रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है और कंपनी का मैनेजमेंट खुद कहता है कि ये सस्टेनेबल है, हम 30% का ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन करेंगे एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करते हो तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के लगभग 15% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल 21% के आसपास है। दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, देर इज़ नो डाउट, काफ़ी अच्छे रिटर्न रेशियो हैं। TTML के फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। ऑफ कोर्स हम वही 3 रेशियो का फिर से कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ऑपरेटिंग मार्जिन पे। कंपनी के आप पिछले 5 साल के एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो 30 के आसपास है। दिखने में ये नंबर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि जैसे मैंने ब्राइटकॉम के लिए अच्छा बोला था, क्या मैं इसके लिए अच्छा बोलूंगा? एंड आंसर इज नो, नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन आपको नंबर्स के थ्रू अच्छे दिख रहे हैं बट दे आर नॉट रियली गुड। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आइए इसका आंसर आपके रिटर्न रेशियो में भी छुपा है और इसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। दैट मीन्स ये कोई रिटर्न प्रोड्यूस नहीं करते। दैट मीन्स अगर आप इसमें इन्वेस्टर और एकदम फंडामेंटली सोचो, इस स्टॉक प्राइस और ये सब भूल जाओ, फंडामेंटली सोचो तो कंपनी आपको कुछ रिटर्न करती ही नहीं है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन तो ठीक ठाक है लेकिन नीचे रिटर्न आ ही नहीं रहा है। तो आप समझो, ये जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, हमेशा टॉप डाउन अप्रोच देखोगे, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे है, नेट मार्जिन और रिटर्न यहाँ पे है, इसके बीच में कुछ ऐसा होता है कि कंपनी के पूरे पैसे गायब हो जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है? And if you have spotted somewhere at the back something, अगर आपने कुछ spot किया तो वीडियो में नीचे कमेंट करें कि क्या देखा आपने। Anyway, distraction को दूर रखते हुए मैं बताता हूँ क्या हुआ बीच में। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या आपको बताता है कि कंपनी अपना नॉर्मल बिजनेस करके कितना पैसा कमा रही है, तो कंपनी ठीक है। नेट मार्जिन बताता है कि बाकी सारी चीजें डेट और टैक्सेस पे करने के बाद आपके पास बचता क्या है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पॉजिटिव है लेकिन नेट मार्जिन नेगेटिव है, तो ऐसा क्या हो सकता है बीच में? मैंने आंसर आपको दे दिया, डेट। कंपनी पे इतनी ज्यादा डेट है कि इनके एसेट कम पड़ जाते हैं उस डेट को पे करने में। तो क्या होता है कि कंपनी ऑपरेशन से जो भी पैसा बनाती है ना, वो कुछ फायदा ही नहीं होता, उस पैसे से ये अपना डेट भी पे नहीं कर पाते, लेट अलोन कि आपको एज ए इन्वेस्टर ये रिटर्न क्या करेंगे। नो डाउट शेयर प्राइस बढ़ रहा है बट फंडामेंटली अच्छे नहीं है, रिसेंट क्वार्टर में भी हमने ये चीज़ देखी है। आइए एक बार और डिस्कस करते हैं, अगर BCG का हम बैलेंस शीट किस तरह देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह देखी, जहाँ पे BCG मच बेटर है TTML से। पर अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट किस तरह देखेंगे। यहाँ पे हम तीन रेशियो को देखेंगे, डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बताती है। कंपनी BCG पे डेट देखोगे तो दे डू नॉट हैव एनी डेट, कुछ भी डेट नहीं है कंपनी पे, और ये काफी पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है, स्पेशली कंसिडरिंग कि कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, फिर भी आप लो डेट पे ऑपरेट कर रहे हो। उनका बिजनेस मॉडल भी वैसे ही है, मार्केटिंग सर्विसेज चलाते हैं, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई ऐसा हार्ड कोर एसेट की जरूरत होती नहीं है, तो उनके पास डेट कम है, एंड दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव। साथ में अगर आप करंट रेशियो और क्विक रेशियो को देखोगे, ये बेसिकली बताता है कि अगर कंपनी को जल्दी से पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तो क्या कंपनी के पास लिक्विडिटी है, क्या कंपनी तुरंत वो पैसा पे कर सकती है। और ये रेशियो जब एक से ज़्यादा होता है तो कंपनी के पास ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे आप देखोगे तो 7 है, तो देर इज़ नो डाउट कंपनी काफ़ी लिक्विड है। तो BCG की बात की जाए, इनकम स्टेटमेंट भी अच्छी है, बैलेंस शीट में काफ़ी स्ट्रेंथ है, बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ, इनकम स्टेटमेंट अच्छी, गुड कंपनी। आइए बात करते हैं टाटा टेली सर्विसेज की, क्या इनके पास डेट है। ये देखिए TTML के बैलेंस शीट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप बोरोइंग की बात करोगे तो TTML की बोरोइंग आप खुद देख सकते हो, ये कंटिन्यूअसली बढ़ी है। करेंटली अगर आप सितंबर 21 का डेटा देखोगे तो लगभग 19,700 करोड़ की डेट है कंपनी पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप कंपनी के टोटल एसेट देखोगे वो सिर्फ 1400 करोड़ के आसपास है, जबकि डेट आपकी लगभग 1900 करोड़ के आसपास की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। देयर इज़ नो वे कंपनी अपने डेट को पे कर सकती है अपने एसेट के थ्रू। ब्राइटकॉम ग्रुप तो ओवरऑल देखिए बैलेंस शीट की भी स्ट्रेंथ है और आपकी परफॉर्म भी अच्छा कर रही है। TTML की बात करोगे तो परफॉर्म भी खराब कर रही है और बैलेंस शीट में तो एकदम ही वर्स बैलेंस शीट है। मतलब मैं इस शब्द को चाहता था कि थोड़ा सा मॉडरेटली बोलूं, पर सीरियसली इतना स्ट्रांगली बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही शेयर अपर सर्किट मार रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप एक अच्छी कंपनी में कई बार इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एज अ इन्वेस्टर आपको क्या मतलब है, कुछ भी हो आपका पैसा बनना चाहिए, शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको ये दिखता है कि यार BCG का भी जा रहा है, TTML का भी शेयर प्राइस जा रहा है, तो मान लो BCG में मेरे को एलोकेशन नहीं होता, सर्किट टू सर्किट मूव करने वाला है, क्यों नहीं TTML ले लेते हैं। एक बार BCG ले लो, मैं इतना कोई टेंशन लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन TTML ले लोगे ना आप तो मुझे खुद टेंशन होगी। उसमें आपका पैसा बन जाए तो बन जाए, डेफिनेटली बहुत लोगों का बना है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू अगर आपने पैसा बनाया हो, लेकिन कंपनी काफ़ी ख़राब है। कंपनी कब बैंक करप्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, इतनी ज़्यादा डेट है किस बेसिस पे? अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद से एक बार मिरर के सामने या बैलेंस शीट के सामने बैठ के एक बार खुद से सवाल पूछना कि अगर आप TTML के इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपका आंसर है कि इनका सुपर ऐप आने वाला है जिसकी वजह से सारी बैलेंस शीट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऑल द बेस्ट टू यू। यू आर आई थिंक टू मच ऑप्टिमिस्टिक, इन माय ओपिनियन यू आर टू मच ऑप्टिमिस्टिक। थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म
ऑल द बेस्ट टू यू, देर इज नथिंग आई कैन से आफ्टर दैट, बट सीरियसली मेरा तो वर्डिक्ट यही रहेगा कि BCG सो मच बेटर देन आपकी टाटा टेली सर्विसेज, इट्स सो मच बेटर। BCG में सिर्फ एक इशू आती है, जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने शेयर डाइल्यूट करते हैं। कंपनी कैसे ग्रो करती है आप सब जानते हो, BCG का बेसिकली मॉडल ये है ग्रो करने का, ये कंपनी को अक्वायर करते हैं, डेट नहीं है कंपनी के पास, तो अक्वायर कैसे करेंगे डेट। देखिए अक्वायरिंग के दो तरीके होते हैं, डेट से पहले आप उधार लेके लोन ले लो, खूब सारा लोन आ गया, उस पैसे से दूसरी कंपनी खरीद लो, फिर उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो डेट में पे कर दो, ये इसको कहते हैं आपकी लेवरेजिंग। लेवरेज करके आपने एक्विजिशन किया, इसको कहते हैं लेवरेज एक्विजिशन, ठीक है। ये कंपनी नहीं कर रही है, और जो मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, वेरी गुड। आप एज अ छोटी कंपनी आपको डेट जितना कम लोगे उतना अच्छा है, उतनी अच्छी आपकी बैलेंस शीट है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो लेकिन ये फिर जब अक्वायर करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि अपने रिजर्व से अक्वायर करते हैं, कुछ हद तक रिजर्व से अक्वायर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स, कन्वर्टेबल वॉरेंट्स उस तरह से करते हैं। तो क्या होता है, प्रमोटर की स्टेक डाइल्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रमोटर की स्टेक डाइल्यूट हो रही है, ये एक फैक्टर है जो ओवरऑल अगर आप सब चीज़ देखोगे, तो अगर आपको एक रिस्क फैक्टर देखना हो तो आप ये रिस्क फैक्टर ज़रूर देखना कि इसमें प्रमोटर की डाइल्यूशन हो रही है, प्रमोटर सेल नहीं कर रहा लेकिन डाइल्यूट कर रहा है। मैं पर्सनली काफ़ी खुश होता कि अगर प्रमोटर यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लोअर नंबर पे आ गया, तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें तो मुझे ये कंपनी मतलब काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा मैंने दोनों पे डिटेल में इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, तो अगर आपको और नॉलेज चाहिए इंडिविजुअल कंपनीज पे, तो मैंने इनकी इंडिविजुअल वीडियो बनाई है दोनों कंपनी की, तो आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा ओपिनियन बेस्ड वीडियो था, क्योंकि इसके पहले के जो इंडिविजुअल वीडियो है वो पूरे डाटा बेस्ड वीडियो है, ये थोड़ा ओपिनियन वाला वीडियो है, तो मुझे लगा इसको बनाना ज़रूरी है। अगर आपको पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसको कमेंट में डाल दें, आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।